हेलो बच्चों, तो आज जो चैप्टर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, एक्चुअली में ये एक छोटा सा निबंध है। ऐसे है, इसका नाम है अच्छे पड़ोसी के गुण। क्या कहा मैंने? अच्छे पड़ोसी के गुण। नेबर समझते हो ना? आपके दाएं तरफ में कुछ लोगों का घर होगा, आपके पीछे भी किसी और का घर होगा, आपकी बाईं तरफ में भी किसी और का घर होगा, और हो सकता है आपके सामने में भी किसी का घर हो। तो ये जो घर होते हैं, घरों में जो लोग होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं पड़ोसी, दे आर नेबर्स। और इन पड़ोसियों का बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में, बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे अगर आप अपने नेटिव स्टेट में नहीं रह रहे हो, बाहर में रह रहे हो, दूसरे स्टेट में रह रहे हो, विदेश में रह रहे हो, तो उस केस में तो कई बार ये पड़ोसी ही आपके सबसे क्लोज रिलेटिव होते हैं, यही आपके सबसे बड़े मददगार होते हैं। तो आज हम लोग पड़ोसियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इस चैप्टर का नाम है अच्छे पड़ोसी के गुण। तो हमने जीवन में कई पड़ोस बदले हैं, पर इन सब परिस्थितियों के बीच एक शाश्वत सत्य कभी नहीं बदल पाया। हमारा पड़ोसी के प्रति दृष्टिकोण आज भी स्नेहमय, उदार और सहायतापूर्ण रहा है। हमें यकीन है कि हमारे पड़ोसी भी हमारे प्रति ऐसे ही नेक इरादे रखते हैं। हमारे एक पड़ोसी की पत्नी हमेशा बीमार रहती थी। हम उनके पति की शक्ल देखते और एक ही सवाल दागते कि आज भाभी जी का क्या हाल है। और यह वैसा ही होता जैसे हम किसी काने से कोई रोज दरियाफ्त करे कि भाई उस आंख में रोशनी आई क्या। तो पड़ोसी कुछ समय के बाद हमें देखते ही झुंझलाते और खुद ही आश्वास करते कि आपकी भाभी की सेहत अब सुधर रही है। तो ऐसे भी होते हैं पड़ोसी। और हम घर जाकर के अपनी श्रीमती जी से इस महान नारी के जीवन की तारीफ करते नहीं आघाते। एक साल से बिस्तर पकड़े हैं, अच्छे अच्छे टें बोल जाते हैं इतने दिनों में, पर यह तो लगता है कि भगवान के यहाँ से अमरौती खा करके आई हैं। ओहो, हालांकि ये थोड़ा सा व्यंग की बातें हैं, हंसने की बातें हैं। तो ऐसा ही स्नेहमय व्यवहार हमारे पड़ोसी का भी था। तो इस फीचर के, इस निबंध के लेखक हैं गोपाल चतुर्वेदी जी, और उन्होंने ये बड़ा अच्छा व्यंग लिखा है, बहुत ही अच्छा निबंध लिखा है पड़ोसियों के बारे में, और इसमें उन्होंने हर तरह की बातें की है। तो ये एक्चुअली में इसमें जो लिखा हुआ है, ये इनका अपना अनुभव है, और ये सारी बातें इनके द्वारा कही गई हैं जो मैं आपको पढ़ करके बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो गोपाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि ऐसा ही स्नेहमय व्यवहार हमारे पड़ोसी का भी था। हमें साधारण सर्दी जुकाम भी होता तो वो आकर के चेताते, चेताते का मतलब है वार्निंग देते कि अक्सर आपका गला खराब रहता है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। हमने कहीं पढ़ा था कि बार बार की खांसी कैंसर का प्रारंभिक लक्षण भी होती है। तो ये जो पड़ोसी हैं, वो लेखक महोदय को सिर्फ वार्निंग ही नहीं दे रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो डरा भी रहे हैं। और आजकल के समय में कोई अगर किसी की खांसी के बारे में ऐसे बोले तो कैंसर की बातें तो बाद में उठेंगी, पहले तो कोरोना की बात उठेगी। तो अब लेखक जी कहते हैं कि ये हमारा सौभाग्य है कि हमने और हमारे पड़ोसी ने एक दूसरे के परिवारों की सेहत के लिए ऐसा ही सद्भाव का रवैया अपनाया, और शायद यह इन्हीं पारंपरिक शुभकामनाओं का प्रभाव था कि हमारी भाभी की प्राणचर्या, हमारी भाभी की प्राणचर्या का मतलब है पड़ोसी, उनकी श्रीमती जी, कि उनकी प्राणचर्या, उनकी आत्मा चारपाई में अटकी रही, और हमारी खांसी तो आती जाती तो रही पर कैंसर न बन पाई। और एक दूसरे के बारे में अच्छे विचार हमेशा सुखद परिणाम देते हैं। अच्छा बच्चों, तो अब जहां तक उदारता का प्रश्न है, उदारता समझते हो ना? बीइंग काइंड, काइंडनेस, अपने पड़ोसी के लिए हमारा दिल दरिया रहता है, ऐसा कह रहे हैं लेखक महोदय। वो कहते हैं कि जिन पुराने जूतों, प्लास्टिक के थैलों और टूटी शीशियों को हमने सालों साल संजोया, उन्हें पड़ोसी को दान करने में हमें जरा भी संकोच नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि दिमाग टोका टाकी नहीं करता है, अंदर से अपना बेशकीमती जायदाद खामख्वाह पड़ोसी पर लुटाने के विरोध में स्वर उभरता है। स्वर उभरता है, विरोध का स्वर उभरता है। इसका मतलब क्या कि घर से श्रीमती जी कहती हैं कि भाई आप ये उसे क्यों दे रहे हो। हम उसे समझाते हैं कि इतने सारे कबाड़ी इस माल को रिजेक्ट कर चुके हैं, इसे कहीं तो ठिकाने लगाना है। फिर जी करा कर उसे किस्त दर किस्त
पड़ोसी की झाड़ी के पास फेंक देते हैं। तो ये तरीका है दान देने का जो अभी अभी लेखक महोदय चर्चा कर रहे हैं। हमें ताज्जुब होता है कि वह हमसे उदारता के इस कृत्य के विरुद्ध, कृत्य का मतलब इस काम, बहस करता है। कहता है कि जाने कौन जंगली उसके घर में सड़ा गला कूड़ा फेंक जाता है, और यह हमारी सामाजिक उपलब्धि है कि हम एक दूसरे का नाम लेकर बुरा भला नहीं कहते हैं। बुरा भला कहना होता है तो इशारे से कहते हैं, किसी और का नाम लेकर के कहते हैं। तो इसीलिए कहावत है कि समझदार को इशारा काफी है। अपन स्वभाव से अहिंसक हैं। अहिंसक का है मतलब मारपीट में विश्वास नहीं रखते। कौन झगड़े झंझट में पड़े, हम जानबूझकर मूर्खता का अभिनय करते हैं और पड़ोसी के सामने कूड़ा फेंकने वाले को डट कर कोसते हैं उसके सामने में। जबकि असल बात क्या है कि पड़ोसी के घर के चार दीवारी में ये कूड़ा किसने फेंका है, हम नहीं फेंका है। या वो भी इस तरीके से किया करता है कि हमारी चार दीवारी में कूड़े फेंक देता है ना। हम जानबूझकर मूर्खता का अभिनय करते हैं। अगले दिन हम अपने दरवाजे को कचरे के ढेर से सुशोभित पाते हैं। हम भी पड़ोसी से उस तीसरे गिरे हुए इंसान को हर प्रकार का संक्रामक रोग लगने की बद्दुआ देते हैं। कैसे कहते हैं इसे कि अपनी तो एक ही तमन्ना है कि यह कूड़े का संवाहक, संवाहक का मतलब कूड़ा ले जाने वाला, कूड़ा यहाँ पर गिरा देने वाला, जल्दी से जल्दी कूड़े के ढेर में मिले। पड़ोसी गंभीरता से मुंडी हिलाकर, मुंडी हिलाने का मतलब है सिर हिलाना, हमसे हमदर्दी जताते हैं और कूड़े का यह आदान प्रदान बिना रोक टोक के बरसों तक चलता रहता है। मतलब मैं भी पड़ोसी के आंगन में कूड़े फेंक देता हूँ और वो भी मेरे आंगन में, पिछवाड़े में कभी भी कूड़े फेंक देता है। महिलाएं भी पड़ोसी धर्म निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। अब बच्चों यहाँ पर बात हो रही है कि पड़ोस में जो महिलाएं होती हैं या पड़ोस की महिलाओं के साथ में दूसरी महिलाओं का कैसा रिश्ता होता है, ये किसी पर आक्षेप नहीं है। ये लेख जो लिखा गया है, निबंध जो है, व्यंग की शैली में है। आप इनमें से कई सारी बातों को आप अपनी जिंदगी में, अपने आस पड़ोस में भी देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, मैच करने की कोशिश कर सकते हैं। तो महिलाओं के पड़ोसी धर्म निभाने की बात है कि उनका सिलसिला चीनी और चाय की पत्ती से शुरू होता है और एक दूसरे की साड़ी साल पर अटक जाता है। मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के घर में आना जाना होता है ना कि भाभी जी जरा सी चीनी चाहिए, जरा सी चाय पत्ती चाहिए, और बातें बढ़ती बढ़ती कहाँ तक जाती हैं कि अरे अरे आज तो आपने बहुत ही सुंदर साड़ी पहनी है, ये शॉल कहाँ से खरीदा आपने। हमें एक दिन घर पर पड़ोसी की बेटी को एक बंडल लाते देखकर आश्चर्य हुआ। अपने और पड़ोसी के सड़क के संबंध है, उनमें घर में घुसना शामिल नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम लोग सड़क पर खड़े होकर के, दरवाजे पर खड़े होकर के ही एक दूसरे से बातें कर लेते हैं। तो अब बात हो रही है पड़ोसी की बिटिया की। उसने चहकते हुए सूचित किया कि आंटी आंटी, मम्मी ने आपकी साड़ियां प्रेस करवा करके भेजी हैं, उन्होंने अपना तूस का शॉल वापस मंगाया है। तो ये एक आदान प्रदान की बातें हैं कि आप मेरी मदद ऐसे करो और मैं आपकी मदद ऐसे करूंगा। क्या मदद हो रही है यहाँ पर कि एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोस की साड़ियां प्रेस करवा दी हैं, तो दूसरे ने उससे दो चार दिनों के लिए तूस का साल, तूस एक पहाड़ी बकरे का ऊन होता है, वो काफी अच्छा शॉल होता है, गर्म भी होता है और फैबुलस लगता है शरीर पर, तो वो उधार दिया होगा किसी पार्टी में जाने के लिए। तो अपन चकराए कि हम पुरुष कचरा ढोने फेंकने में लगे रहे और यहाँ साड़ी गजरा आने जाने लगा। शॉल तो समझ में आता है पर यह तूस क्या बला है। हम अपनी जिज्ञासा प्रकट कर पाते कि पत्नी ने लड़की को शॉल खुद पहुंचाने के वादे के साथ में विदा किया और अंतर्ध्यान हो गई। अंतर्ध्यान होने का मतलब है गायब हो जाना, सामने से चले जाना। अब आई तो उनके हाथ में एक मटमैला सा गर्म कपड़े का टुकड़ा था। उनके चेहरे पर संतरास का भाव था, संतरास मतलब कि अत्यंत भय, बहुत ज्यादा डर का, और स्वर में परेशानी का भाव। अब यहाँ पर कुछ मजेदार बातों की चर्चा होने वाली है जिसमें आपको हंसी भी आ सकती है। तो पता चला कि पड़ोसन से उधार लिए गए शॉल पर चटनी के कुछ दाग लग गए थे और हमें उसे ड्राई क्लीन करवाने का जिम्मा दिया जा रहा है पत्नी जी की तरफ से। अब चूंकि वह कमबख्त तूस का था तो उसकी सफाई में 150 की चोट लगी। मतलब ड्राई क्लीनिंग करने वाले ने उस शॉल की सफाई करने के लिए 150 रुपए लिए।
अपनी आज भी तूस के बारे में सिर्फ इतनी जानकारी है कि वह गर्म कपड़े का ऐसा टुकड़ा है जिसकी धुलाई तक जेब में कटती है। खरीदने में कौन जाने नाक कान की नौबत आती हो, नाक कान कटने की नौबत, ऐसा कहना चाहते हैं लेखक। तो बहरहाल पड़ोसन को तूस पर दाग लगने का हादसा ज्ञात हो गया। ओहो हो, तो उन्होंने तूस दागी करने के लिए हमारी पत्नी को दोषी ठहराया। उनके अनुसार यह जानबूझकर के किया गया अपराध था जिसकी जड़ में जलन और स्पर्धा की भावना थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी शुद्ध महंगी चाय की पत्ती के बदले हमारे घर में चाय की पत्ती के नाम पर उसका चूरा उन्हें मांगने पर मिलता था। एक बार उन्होंने अव्वल दर्जे की प्याज उधार दिए, अव्वल दर्जे की प्याज आप समझ सकते हो, और सड़े पिलपिले वापस आए। और ऐसे तूस प्रकरण के बाद हमारे घरों में, मतलब हमारे और पड़ोसी के घर में शीत युद्ध चल रहा और महिलाओं में बातचीत बंद है। तो ये होता रहता है, ये बातचीत शुरू भी हो जाती है, शीत युद्ध खत्म भी हो जाता है। अड़ोसी पड़ोसी के रिश्ते ऐसे ही गर्म नरम ठंडे गर्म होते रहते हैं। तो पत्नी के रुख से हमारे पड़ोसी प्रेम में कोई तब्दीली नहीं आई है। हम वक्त जरूरत उनकी सहायता में तत्पर रहते हैं। हमें पता है कि केबल टीवी नई पीढ़ी के लिए कितना नुकसानदेह है। आजकल केबल टीवी की जगह ली है डिश टीवी, मतलब एयरटेल का, डिश का, है ना, टाटा स्काई। इसका दुष्प्रभाव बच्चों की पढ़ाई पर तो पड़ता ही है, दुष्प्रभाव आप समझ सकते हो, बैड इफेक्ट्स। उनकी नज़र भी इससे कमज़ोर होती है, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा टेलीविज़न देखने से आंखें तो कमज़ोर होती ही हैं, आजकल तो मोबाइल में भी चिपटे रहते हैं बच्चे। लिहाजा हम मौका मिलते ही उनकी केबल का तार काट देते हैं। उन्हें भी हमारी नई पीढ़ी का ख्याल है, हमारा केबल का तार भी अक्सर धड़ाशाही पाया जाता है। हम उनके मेहमानों का खर्च भी बचाते हैं, कई बार उनका पता पूछने वालों को हमने दूसरे मोहल्लों में दिशा भ्रमित किया है, गलत रास्ता बताया है। पर इस विषय में हमारे प्रति उनका सहयोग कुछ अनुचित किस्म का है। वे कई बार अजनबियों तक को हमारे घर में भेज देते हैं और ऐसे सहयोग सौहार्द के बिना पास पड़ोस का जीवन दूभर होने का खतरा है। मतलब ये चीज़ें अगर ना हो तो शायद मन ही ना लगे, इंटरटेनमेंट ना हो, आपको पता ही नहीं चले कि आपका कोई पड़ोसी है भी क्या। जब से सरकार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध 50 वर्ष में 100वीं बार कमर कसी है, तो सरकार है ना, वो तो हमेशा कमर कसती ही रहती है कि अब हम भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करेंगे, विदेश से काला धन वापस लाएंगे। पीछे के 5-10 सालों में आप सब बच्चों ने भी कितनी बार सुना होगा। तो उस पर भी एक कटाक्ष है लेखक का कि हम पड़ोसी के घर हर दिवाली नए साल के मौके पर भेंट मिठाई लाने वाले के CBI एजेंट होने की चेतावनी देना नहीं भूलते हैं। और यह अपना दुर्भाग्य है कि हमें उस प्रकार भ्रष्ट करने तक भी कोई नहीं आता है। ओहो, हमें लगने लगा है कि व्यक्ति और देश के पड़ोसियों के व्यवहार में खास अंतर नहीं है। अब ये जो आखिरी पैराग्राफ है बच्चों, ये बड़े ध्यान से संभल करके सुनने और समझने की जरूरत है जो अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ। आखिर देश की इकाई भी व्यक्तियों के समूह से ही बनती है। जैसे हमारे पड़ोसी हमारे प्रति प्रेम और सद्भावना रखते हैं, वैसे ही हमारे पड़ोसी देश का भी। शांति, अहिंसा और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का जो उसूल हर पड़ोसी देश संसार के सामने सार्वजनिक तौर पर अपनाता है, यह दीगर है कि कभी कभार सीमा क्षेत्र में आतंकवादी गोलीबारी कर ले, उसके जासूस शहरों में बमबारी की योजना बनाए, थोड़ी बहुत आतिशबाजी तो होती रहनी चाहिए। यूं भी दूसरा कौन सी दाल खाता है, जानने की इच्छा एक स्वाभाविक जिज्ञासा है। तो इस तरह की इच्छाएं होती है, इस तरह की क्यूरियोसिटी होती है पड़ोसियों के मन में कि अरे उसके यहाँ कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसके यहाँ बहुत पकवान बनने की खुशबू आ रही है। अपनी तो एक ही आकांक्षा है कि हमें अपने पड़ोसी से इतना लगाव है कि वह भी हमसे अपने व्यवहार में कुछ सुधार लाए। ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है, दोनों हिलमिलकर अमन चैन से रहें। तो ये सारी बातें लिखी हैं गोपाल चतुर्वेदी जी ने, जिस निबंध का नाम था अच्छे पड़ोसी के गुण। तो बच्चों, इन सारी बातों को सुनकर के आपको भी अपने अड़ोसी पड़ोसियों के बारे में कुछ बातों की याद आ रही होगी, उनके व्यवहार के बारे में, उन व्यवहारों में अच्छी बातें, बुरी बातें, थोड़ी सी नोक झोंक की बातें भी शामिल हो सकती है कि कैसे आपके क्रिकेट खेलने से पड़ोसी का कांच टूट जाता है। कई बार फुटबॉल जब उछल करके उनके आंगन में जाती है
तो 2 घंटे के बाद मिलती है या अगले दिन वापस होती है ना। कैसे कोई आपके आंगन के फूल तोड़ करके ले जाता है, ये भी बात होती है। कभी कभी ये भी पता चलता है कि हाँ, पड़ोसी का बच्चा आपके बच्चे को बहका रहा है, आपके साथ में दोस्ती कर रहा है, आपके बच्चे को लेकर के क्रिकेट खेलने मैच चला जाता है। तो हम लोग समाज में रहते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो अच्छी बातें बुरी बातें तो होती रहती हैं यहाँ पर। फिर भी मैं आप सब लोगों से कहूँगा कि हमें पड़ोसियों के साथ में अच्छे संबंध बना करके रखना चाहिए। व्यवहार आईने की तरह से होता है, आप जैसा व्यवहार उनके साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार आपको रिटर्न गिफ्ट के तौर पर मिलेगा। आप अगर उनके बारे में अच्छी बातें करेंगे तो एक बार दो बार के बाद तीसरी बार उनके मुंह से भी आपके बारे में अच्छी बातें ही सुनने को मिलेंगी। लेकिन जरा सा आपने उनको कुछ चोट पहुंचाने वाली, कुछ शिकायत वाली या ऐसे कुछ कमेंट वाली बातें की, तो हो सकता है उनके यहाँ से भी इसी तरह की बातें आपके बारे में किसी और को कहीं जाएं। और कई बार इन बातों से बड़ी बातें हो जाती हैं, बातों का पतंगड़ हो जाता है ना। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपको अपने पड़ोसियों के साथ में हिलमिल करके रहना चाहिए, मेल जोल से रहना चाहिए। पड़ोसी एक दूसरे के सबसे बड़े मददगार साबित हो सकते हैं, एक दूसरे के सबसे अच्छे रिश्तेदार साबित हो सकते हैं। और मैंने देखा है कि कई जगहों में पड़ोसियों का संबंध दूसरे पड़ोसियों के साथ भाई से भी बढ़कर के होता है, दोस्त से भी बढ़कर के होता है। क्योंकि एक बात मैंने कही ना कि परदेश में पड़ोसी, एक अच्छा पड़ोसी ही आपका सबसे अच्छा मित्र या रिश्तेदार साबित हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो आगे चल करके मैं इस चैप्टर का एक फॉलो अप लेक्चर सेशन रखूंगा, जहां पर फिर से मैं इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में आपकी मदद करूंगा। आप मेरे चैनल का नाम याद रखें, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसका नाम है न्यू एज कोचिंग। तो DAV के बच्चों के लिए और क्लास 8 के बच्चों के लिए मुझे और भी बहुत सारे लेक्चर रिकॉर्ड करने हैं, कई सारे मैंने कर भी रखे हैं। कीप वॉचिंग माई चैनल। हैप्पी लर्निंग।